देखिए एक्सरसाइज 14.6 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर लेस देन हो जाए। तो इसमें पहले टेबल बनाएंगे, पहले दिया गया है कैपिटल, कैपिटल में दिया गया है 0 to 10 इन लाख दिया गया है, इन लाख रुपीस, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, इतना दिया गया है। अब इसमें दिया गया है नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज, यही फ्रीक्वेंसी इसको कहेंगे। ये दिया गया है 2, 3, 7, 11, 15, 7, 2, 3। अब ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली वाली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही लिख लेते हैं, मैथ समझ में आ रहा है। सेकेंड वाली कैसे लिखेंगे, इसमें इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करके यहां पर लिखेंगे 3 to 5, 7, 5, 12, 12, 11, 23, 23 and 15, 38, 38, 7, 45, 45, 2, 47, 47 and 3, ये हो जाएगा 50। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कॉपी पर जो सेंटीमीटर वाली ग्राफ कॉपी है, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट से छोड़ देंगे, 1 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ देंगे, और ये एक्सिस ड्रा कर लेंगे, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब ग्राफ में देखा होगा एक एक सेंटीमीटर पर एक मोटी लाइन ड्रा की गई है, एक एक सेंटीमीटर पर मोटी लाइन, बीच में 10 1 1 मिलीमीटर के जो है उसमें खाने खींचे हुए हैं, 1 1 मिलीमीटर के ऐसे इस तरह से खाने खींचे हुए तुमको मिलेंगे, ऐसे ग्राफ कॉपी बनी हुई होती है। ये मान लीजिए ये ग्राफ का पेज, बात समझ रहे ना। अब एक्स एक्सिस पर कैपिटल शो करेंगे, कैपिटल इन लाख रुपीस, और वाई एक्सिस पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब इसमें जैसे दिया गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये आ गया। अपर लिमिट पर अब जैसे इसमें अपर लिमिट, इसमें 10, 20, 30, 40, 50 ये अपर लिमिट है, तो 10 पर 2, 10 ये है 2 मिलीमीटर, ये पॉइंट लगा लेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर 20 पर 5, ये 20 पर 5 हो जाएगा। 30 पर 12, 30 पर 12 ये हो जाएगा।
40 पर 23, 40 पर 23 ये हो जाएगा, 50 पर 38, 38 अबाउट यहां पर आ जाएगा, और 60 पर 45, 60 पर ये 45 हो जाएगा। यहां पर भी आप लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, बस इतना काफी है। अब वहां 60 पर हो गया, 70 पर 47, 70 पर ये 47 आ जाएगा लगभग यहां पर, और 80 पर 50, 80 पर ये 50 आ जाएगा। अब इसमें कर्व बनाना है, कर्व बनाने में ये ध्यान रखना है कि फ्री हैंड बनना है। कैसे बनना है? फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब यह है कि स्केल से नहीं ज्वाइन करना है, स्केल का यूज नहीं करना है, और कोई एंगल नहीं बनना चाहिए, कोई एंगल नहीं बनना चाहिए। ये जो है बन जाएगा ऐसे बिगाड़ करके सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा लेस देन ओ जाए। ये समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। आप लोग क्या करें, नोट ना करें, ठीक है? इसको जो है वीडियो देख करके अपना कर लेना है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोर देन ए जाए ओ जाए वाला। क्वेश्चन नंबर टू, ये भी लेस देन ओ जाए वह है, ये भी आप कर लीजिए। थ्री वाला भी लेस देन ओ जाए वह है, नहीं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन एज लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लेस देन मोर देन कौन? फिफ्थ वाला। इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव में ड्रा लेस देन हो जाए एंड मोर देन हो जाए फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस फाइंड इट्स मीडियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव में टेबल बनाएंगे। पहले दिया गया है क्लास, फिर दी गई है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास में दिया गया है 22, 32, 42, 52, 62 और 72, 82, 90 तक दिया गया है। इसे फ्रीक्वेंसी दी गई है 8, 6 के 24 के बाद 6, 10, 15, 25। अब जो लेस देन ओजाइव के लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो लिखेंगे लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद में बनाएंगे ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो लेस देन फ्रीक्वेंसी बनाइए। इसमें पहले तो फ्रीक्वेंसी, पहली वाली की फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी जितनी इसकी है, तो इसको 8 ही लिख देंगे। अब दूसरे में 8 को सेकंड फ्रीक्वेंसी से ऐड करते हैं, इससे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 20 को 24 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44। 44 को 6 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 50 को 10 से ऐड करेंगे तो 60।
60 प्लस 15 इज इक्वल टू 75, और 75 को 25 से ऐड करेंगे तो 100, ये लेस देन कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। ये हो गया। अब इसके बाद 100 वाला ऊपर लिखो, ग्रेटर देन 100, और 100 में 8 सबट्रैक्ट करके 13 14 सामने लिखो। 100 में 8 सबट्रैक्ट करेंगे ना। अब ग्रेटर देन कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले तो 100 लिख देंगे, उसके बाद इसको 8 से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 92। अब ये माइनस है, और 92 को 20 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72। ना 20 नहीं सबट्रैक्ट करेंगे, 92 से 12 सबट्रैक्ट करेंगे। कितना सबट्रैक्ट करेंगे? 12। ये 12 फ्रीक्वेंसी को सबट्रैक्ट करना। सॉरी, अब 100 को 12 से सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 88। अब 88 को 24 से सबट्रैक्ट करेंगे, 100 से 8 को सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 92 करो। पहले तो 100 में 8 को सबट्रैक्ट किया जाएगा 92, और 92 से 12 सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 80 से 24 सबट्रैक्ट करिए 66। फिर अब 56 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 50 आए, 50 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 40 सामने जो यहाँ है वो 40 नीचे, 40 को 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15। सब्ट्रैक्ट करो, ये इसके सामने आ गया, इसके सामने आ गया, इसके सामने आ गया, इसके सामने आ गया, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15। एक बार ना। यस सर। अब लेस देन हो जाए, बीस वाला ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे, ये रहने तुम्हारा ग्राफ। तो यहाँ पे 100 को 100 से 8 माइनस हुआ, 92 से 12 हुआ, 80 से 24 हुआ, 56 से 6 हुआ, 50 से 10 हुआ, सो 40 से 15 होगा, तो कितना? सो 25। तो यहाँ 25 तो अब जो है यहाँ नीचे भी हो, नीचे लिखेंगे लेज़र कंजेक्टिव फ्रीक्वेंसी, ये कैप्चर वाला भी डाल दो, कैप्चर वाला भी इधर ले लीजिएगा। इधर क्या लिखेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पर, हो जाए y एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और यहाँ x एक्सिस पे लेस देन हो जाए। इसके अनुसार बनाओ, इसके अनुसार ग्राफ बनाओ, 30 पर 8, 30 पर 8 ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद 40 पर 20, 40 पर 20, 50 पर 50 पर 44, लगभग में यहाँ आएगा, 60 पर 50 यहाँ पे आए, 70 पर 60, और फिर 80 पर 75, 75 ये 50 60 यहाँ पे। अब इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर देंगे, 90 पर 100, 90 पर, अब इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर देंगे, यहाँ शुरू है, एक दो, और लंबी
इसी में बनाना है, यहाँ पर ले लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये आ जाएगा 100। ये तुमने ये 125 पर 100 कहाँ है, 100 पॉइंट थोड़ा नीचे, 90 पर 100 कहाँ है, ये आएगा हाँ, ये 90 पर। अब क्या करेंगे, 30 पर 100 ये 30 पर ये 100 आ जाएगा, 40 पर 92 40 पर ये 92 आ जाएगा, 50 पर 80 50 पर ये 80 आ गया, 60 पर 56 60 पर ये 56 आ जाएगा अबाउट, और 70 पर 50 70 पर ये 50 आ गया, 80 पर 40 80 पर 40 यहाँ आएगा, और 90 पर 25 ये 25 आ जाएगा। तो इसको जो है फ्री हैंड बनाएंगे, अब इसका हमें मीडियन निकालना है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, ये करीब मीडियन आ जाएगा, ये करीब 64 अबाउट है, तो मीडियन आ जाएगा 64 ये आंसर अबाउट में आएगा, करेक्ट नहीं आता इससे, ठीक है, ओके okay?